जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत में, हम आपका दोस्त अमर शुक्ला। आज हम पहुंचे हैं यहाँ पे हकीमा थाना के पुलिस पुतलीगढ़ पुलिस चौकी के अंदर। ये हम आपको बताएं कि ये ऐतिहासिक जगह है और यहाँ पर केवल 22 फुट गिनरी को लेकर यहाँ पे अभी डिच मशीनें यहाँ पे पहुंची है। मामला क्या है तो हम चलते हैं सीधे बीजेपी के नेता और उनसे जानते हैं। सर, पूरा मोहल्ला इकट्ठा क्यों है, निगम के अधिकारी क्यों आए हैं, क्या माजरा है? ऐसे है जी, यह जी ग्रीन बेल्ट है कोठियाँ ज्वाला स्टेट, ये 22 फुट की ग्रीन बेल्ट साड़ियाँ रजिस्ट्रियां है। उसके बाबत अज तो 6 महीने पहलों भी कारपोरेशन ने कार्रवाई की, उसकी रिट साड़ी हाई कोर्ट चलन रही है। हाई कोर्ट च यही पूछा भी पहलों दसिया जाए भी इस ग्रीन बेल्ट का मालक कारपोरेशन है जां ओनर जिन्हें सानू जगह बेची हो। कब अगली तारीख कब है? अगली तारीख अगस्त महीने की है। ये बताइए, जब कोर्ट में तारीख हो, हाई कोर्ट में तारीख हो, तो फिर कैसे, तब तो कोई को रोक ही नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं हो सकती? ये देखो, ये ही तो हम कह रहे हैं। ये आपके असली हैं? हाँ जी, असली हैं? नहीं, फोटो स्टेट है। नहीं, चलिए असली दस्तावेज हैं जो आपको मिले हैं। अब आपको मोहलत कब मिली है? मोहलत जब अगस्त की तारीख हाई कोर्ट में मैटर चल रहा है हमारा, हाई कोर्ट में सुनवाई है जनवरी से। मामला 22 फुट ग्रीनरी को लेके है। अच्छा, इन्होंने जो यहाँ पे गिराया है, ये सब ईंटे, ये ईंटे करा रखे थे, पौधे थे ये यहाँ से लेके वहाँ तक, तो ये क्या, तो ये पेड़ थे। चलिए हम चलते हैं और लाइव तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह यहाँ से दलबल के साथ यहाँ पे टीम में पहुंची और हमने आपको दिखाया। तो इतना सब कुछ है तो कागज जांच किए नहीं, इतने दूर से चले आए। सर, आपके आला अधिकारी कौन है? आपके आला अधिकारी कौन है, सबसे बड़े अधिकारी कौन है जिनसे बात किया जाए? चलिए आपसे बात किया जाए। आप ये बताइए, सबूत आपके पास था नहीं, आप चले आए इतनी भीड़ लेके पुलिस की? मारे हम बाद में आए, हमें नहीं मालूम। चलिए, बिना सबूतों को आई यहाँ पे क्यों पुलिस, हम जानते हैं इनके पास सबूत क्या है। और सबूत, चलते हैं और बात करते हैं। ये आप आए और चले क्यों, जा क्यों रहे हो, गिराया क्यों नहीं? कौन जी? आप आए थे गिराने के लिए, गिराया क्यों नहीं? क्या गिराने के लिए आए थे? चलिए, इंचार्ज साहब ने बुलाया था, हम आगे चलते हैं, लाइव तस्वीरें दिखाते हैं लाइव भारत पर और हम आपको दिखाते हैं और चलते हैं। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, क्या नगर निगम और नगर निगम की बात है, हाई कोर्ट की बात है, किस तरह यहाँ पे डिच मशीनें आती हैं और डिच मशीनें वापस चली जाती हैं और आला अधिकारी यहाँ पे पहुँचते हैं, पुलिस के आला अधिकारी और निगम की टीमें, कहीं ना कहीं सरकारी पैसा और सरकारी समय का नुकसान। तो हम आपको बताएं और हम आपको दिखाते हैं लाइव तस्वीरें लाइव भारत पर, देखते हैं, कोशिश करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं डिच मशीनें वापस जाती हुई, पुलिस के आला अधिकारी भी बाइक पे निकलते हुए, जो भी यहाँ पे मौके पर पहुँचे थे। हम आपको दिखाते हैं लाइव तस्वीरें लाइव भारत पर किस तरह से यहाँ पे डिच मशीन पहुँची और आप देख सकते हैं आप सामने का ये डिच मशीन का खेल। तो डिच मशीन का खेल क्यों हुआ फेल, हम अभी जानते हैं डिच मशीन का खेल क्यों हुआ फेल, आखिर क्यों नहीं गिराई गई इमारत, क्यों नहीं गिराया गया। तो आला अधिकारी से हम बात करते हैं। तो सर, ये बताइए, आप लोग यहाँ पे गिराने के लिए आए थे, गिरी क्यों नहीं, हटाया क्यों नहीं अतिक्रमण, अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया, पीछा छुड़ाते हुए? सबसे बड़ी बात कि अगर इतने दलबल के साथ टीम आई है तो क्यों आई है? आप देख सकते हैं एक एक करके यहाँ से सब निकल लिए। जी 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 जी, ये क्या है, ये दूसरा मामला होगा? नहीं नहीं, ये देखो, ये दूसरा मामला होगा कोई। चलिए हम आपको बताएं, कुल मिला के यहाँ पर अवैध कब्जों का खेल है, डिच का खेल है, मामला हाई कोर्ट में है। कुल मिला के इस मामले में पुलिस आई, अगर निगम के आला अधिकारी भी आए लेकिन कैसे चले गए, कोई भी जवाब देते बिना बनता नहीं उनको, और वो यहाँ से रुखसत कर लिए उन्होंने। तो कुल मिला के सरकारी धन पैसा के साथ साथ सरकारी समय का दुरुपयोग करने वाले, जब आपके पास पुख्ता सबूत ही नहीं है, आपके पास हाई कोर्ट के ऑर्डर ही नहीं है, तो हाई कोर्ट के ऑर्डर देख के जब आपके पास आदेश में होते तो आते ना। तो ये बड़ी खबर थी लाइव भारत पर, आप देखते रहे लाइव भारत, मनोज भगत के साथ अमर शुक्ला की। जय हिंद जय भारत।